इस प्रकार हमने देखा बच्चों कि जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है वो रेखीय प्रसार गुणांक का दुगना होता है। अब हम देखते हैं रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में क्या संबंध है। हमने वही एल लंबाई की तार ली थी और उसके आधार पर अगर उसके ताप में डेल्टा त्री वृद्धि की जाए तो उसकी लंबाई में मान लीजिए डेल्टा एल की वृद्धि हो रही है, तो रेखीय प्रसार गुणांक का सूत्र हो जाएगा अल्फा बराबर डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। इसे हम समीकरण एक लिख देते हैं। अब मान लीजिए इसी विमा का इसी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के रूप में हम एक ठोस ले लेते हैं, मतलब अब ये ठोस एक घन के रूप में है, एक क्यूब के रूप में है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारे बराबर है और सभी को हमने एल लिया। सभी को हमने बराबर इसलिए बच्चों ताकि हम इसमें संबंध स्थापित कर सके, कंपेयर कर सके। अब मान लीजिए इसके ताप में भी हम डेल्टा टी की वृद्धि करते हैं तो सभी भुजाओं में वृद्धि होगी, इसकी लंबाई में भी डेल्टा एल की वृद्धि होगी, चौड़ाई में भी डेल्टा एल की वृद्धि होगी और ऊंचाई में भी डेल्टा एल की वृद्धि होगी, मतलब इस घन का अब जो आकार है वो बढ़ जाएगा। अब इसके आयतन में भी परिवर्तन होगा। मान लीजिए इस घन का प्रारंभिक आयतन हम V से दर्शा रहे हैं तो V बराबर क्या होगा, घन का आयतन मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई यानी L इंटू L इंटू L करेंगे यानी कि L क्यूब होगा। अब जब हमने इसके ताप में वृद्धि की थी डेल्टा T तो इसके आयतन में भी वृद्धि हुई। ये जो आयतन हमको फाइनली मिला इसे हम V प्लस डेल्टा V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो V प्लस डेल्टा V बराबर हो जाएगा। अब ये जो विमा चेंज हुई है उन भुजाओं को गुणा करते हैं तो हम लिखेंगे L प्लस डेल्टा L का होल क्यूब। और अब यदि हमको आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना हो तो ये जो अंतिम आयतन हमें प्राप्त हुआ है उसमें से प्रारंभिक आयतन को घटा देते हैं। तो चलिए घटा कर देखते हैं कि आयतन में वृद्धि कितनी प्राप्त होगी। आयतन में वृद्धि यदि हम ज्ञात करें तो ये अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन होगी यानी कि L प्लस डेल्टा L का क्यूब माइनस L क्यूब होगा। आयतन में वृद्धि हम डेल्टा V से दर्शा रहे हैं। अब यहाँ पर हम A प्लस B होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे और A प्लस B होल क्यूब बराबर होता है A क्यूब प्लस 3 A स्क्वायर B प्लस 3 B A स्क्वायर प्लस 3 A B स्क्वायर प्लस B क्यूब। तो यहाँ पर वही मान रख देते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम L प्लस डेल्टा L क्यूब को एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा L क्यूब प्लस 3L स्क्वायर डॉट डेल्टा L प्लस 3L डॉट डेल्टा L का स्क्वायर प्लस डेल्टा L का क्यूब माइनस L क्यूब। यहाँ से L क्यूब कैंसिल कर देते हैं तो हमें मिलेगा डेल्टा V बराबर 3L स्क्वायर डॉट डेल्टा L प्लस 3L डॉट डेल्टा L स्क्वायर प्लस डेल्टा L क्यूब। ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है इसमें डेल्टा एल बहुत ही छोटी राशि है क्योंकि जो एक्सपेंशन होता है ये जो वृद्धि होती है विमा में उसका मान बहुत ही कम होता है और जब इसे हम स्क्वायर करेंगे या फिर इसका घन करेंगे क्यूब लेंगे तो यह राशि और भी छोटी हो जाएगी और इसीलिए इसे हम नगण्य मान सकते हैं। तो जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है इसमें से इन मानों को नगण्य करने पर हमें अगला स्टेप प्राप्त होगा डेल्टा V इक्वल टू 3L स्क्वायर डेल्टा L। आयतन प्रसार गुणांक के सूत्र से गामा बराबर होता है डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T। अब समीकरण एक में यह मान रखने पर हमें मिलेगा गामा बराबर 3L स्क्वायर डेल्टा L अपॉन V डेल्टा T। ये V आयतन है तो प्रारंभिक आयतन का मान हमने लिया था V बराबर L क्यूब। अब यह मान इस समीकरण में रख देते हैं तो गामा बराबर होगा 3L स्क्वायर डेल्टा L अपॉन L क्यूब डॉट डेल्टा T। अब यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से L स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं तो डिनोमिनेटर में केवल एक ही L बचेगा तो हमें मिलेगा गामा बराबर 3 डॉट डेल्टा L अपॉन L डॉट डेल्टा T। और अल्फा का मान हम जानते हैं यानी कि रेखीय प्रसार गुणांक डेल्टा L अपॉन L डॉट डेल्टा T। अब यह मान गामा के मान में रखते हैं
तो गामा बराबर हो जाएगा 3 × अल्फा, यानी कि आयतन प्रसार गुणांक बराबर 3 × रेखीय प्रसार गुणांक। और इस प्रकार हमने देखा कि आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। अब ये तीनों में क्या संबंध है? हम देखें कि बीटा बराबर 2 अल्फा होता है, यहां से अल्फा बराबर बीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं, और गामा बराबर 3 अल्फा होता है, तो हम अल्फा बराबर गामा अपॉन 3 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर बीटा अपॉन 2 बराबर गामा अपॉन 3, और अल्फा के नीचे हम 1 डाल दें। तो अब इन तीनों का अनुपात देखें तो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा बराबर होगा 1:2:3, और ये संबंध होता है रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में। वैसे भी ये स्पष्ट है, यदि हम रेखीय प्रसार गुणांक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ठोस एक ही विमा में है, और जब हम क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की बात कर रहे हैं तो यहाँ प्रसार दोनों विमाओं में है, तो नेचुरल है ये इससे डबल ही होगा, यानी अनुपात में हम देखें तो ये 1:2 होगा। और जब हम आयतन प्रसार गुणांक की बात करें तो इसकी तीनों विमाओं में प्रसार हो रहा है, तो इसे जब हम रेखीय प्रसार गुणांक से कंपेयर करें तो ये 3 होगा, और इसीलिए इन तीनों का संबंध 1:2:3 का होता है। अब बच्चों हम एक अगले कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करते हैं जिसे हम तापीय प्रतिबल के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमने आगे समझा था कि हम किसी वस्तु में यदि ऊष्मा देते हैं, उसके ताप में वृद्धि करते हैं, तो उसमें प्रसार होता है। तो नेचुरल सी बात है, जब ताप में कमी करेंगे तो इसमें संकुचन होगा, संपीड़न भी होगा। मान लीजिए हम यहाँ पर एक तार लेते हैं और इस तार को हम 2 क्लैंप के बीच में फंसा देते हैं। इस प्रकार ये तार 2 क्लैंप के बीच में फंसी है। मान लीजिए इसकी प्रारंभिक लंबाई हम L ले रहे हैं और इसके जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसे हम A लेते हैं। अब जैसे जैसे इस तार के ताप में हम कमी करेंगे तो क्या होगा, इसकी लंबाई में भी कमी आ जाएगी और ये तार सिकुड़ने का प्रयास करेगा। अब जैसे जैसे ये तार सिकुड़ेगा, इस तार में तनाव उत्पन्न होगा और ये दोनों क्लैंप को अपनी ओर खींचेगा, यानी कि इस दोनों क्लैंप में एक बल आरोपित होगा। और ये बल क्यों आरोपित हो रहा है, क्या कारण है? जैसे हम ताप में कमी करते जा रहे हैं, इस तार में विकृति उत्पन्न हो रही है और विकृति के कारण ही इस तार में प्रतिबल काम करेगा, यानी कि प्रतिबल उत्पन्न होगा, और उसी प्रतिबल के कारण ही इस क्लैंप में दोनों हुक में बल आरोपित होगा और ये तार इन दोनों क्लैंपों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। ये दोनों एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करेंगे, खिंचाव महसूस करेंगे, तनाव महसूस करेंगे। अब ये कितना होगा, इसी को हमको कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि ये तार लंबाई के रूप में है, तार के रूप में है, तो यहाँ पर रेखीय प्रसार गुणांक इस्तेमाल किया जाएगा। रेखीय प्रसार गुणांक बराबर होता है, मैंने आप लोग को बच्चों पहले ही फॉर्मूला इसका बता दिया था, यहाँ पे अब हम वृद्धि नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर अब संकुचन हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप में परिवर्तन। एक्चुअली ये परिवर्तन कमी है, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन शब्द लिखना एनफ होता है, काफ़ी होता है। इस प्रकार हमने अल्फा का फॉर्मूला लिख दिया। अब इसी में यदि हम प्रारंभिक लंबाई को कैपिटल एल लिख रहे थे और उसमें जो परिवर्तन है उसको स्मॉल एल लिख रहे हैं, तो इस प्रकार से सूत्र को लिखा जा सकता है। अब यहाँ से हम देखें तो L अपॉन L इक्वल टू हो जाएगा अल्फा डेल्टा T, और लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई, ये राशि कहलाती है अनुदैर्ध्य विकृति। तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे विकृति से, तो विकृति बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू डेल्टा T, और इसी अनुदैर्ध्य विकृति के कारण ही इस तार में अनुदैर्ध्य प्रतिबल भी कार्य करेगा। और यहाँ पे जो विकृति उत्पन्न हो रही है या जो प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है इस विकृति के आधार पर, ये दोनों ही ताप के कारण उत्पन्न हो रहे हैं, और इसीलिए हम यहाँ पर इसे तापीय विकृति और तापीय प्रतिबल के नाम से भी जानते हैं। और बच्चों हम जानते हैं कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात ये प्रत्यास्थ गुणांक कहलाता है। चूँकि यहाँ पर ये पदार्थ एक
ठोस है और ये तार के रूप में है, तो यहाँ पर हम यंग प्रत्यास्थ गुणांक इस्तेमाल करेंगे और यंग प्रत्यास्थ गुणांक y बराबर हो जाएगा तापीय प्रतिबल अपॉन तापीय विकृति। और यहाँ से हम तापीय प्रतिबल देखें तो ये होगा यंग प्रत्यास्थ गुणांक इंटू तापीय विकृति। और इस प्रकार तापीय प्रतिबल को हम लिख सकते हैं y इंटू तापीय विकृति का सूत्र अभी हमने ज्ञात किया, ये होगा अल्फा इंटू डेल्टा टी। और ये प्रतिबल के सूत्र से हम जानते हैं जो प्रतिबल होता है वो बल अपॉन क्षेत्रफल होता है। यहाँ पर ये जो बल है ये क्लैंप में आरोपित हो रहा है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया, ये जो प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है उसी के कारण ही क्लैंप में तनाव उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं तापीय प्रतिबल बराबर आरोपित बल अपॉन क्षेत्रफल। तो यहाँ पे जो आरोपित बल है इस क्लैंप में उसका फॉर्मूला हो जाएगा आरोपित बल इंटू प्रतिबल, ये वही तापीय प्रतिबल है, इंटू क्षेत्रफल। और तापीय प्रतिबल हमने कैलकुलेट किया वाई अल्फा डेल्टा टी और क्षेत्रफल हमने अनुप्रस्थ काट का लिया था ए। तो ये जो आरोपित बल होगा इन दोनों क्लैंप के बीच में ये होगा एफ बराबर वाई इंटू ए अल्फा डेल्टा टी, जहाँ पर y यंग प्रत्यास्थ गुणांक है और a अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और अल्फा जो हमने यहाँ इस्तेमाल किया है वो रेखीय प्रसार गुणांक है और डेल्टा t ताप में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार बच्चों इस सूत्र की सहायता से हम दो क्लैंपों में आरोपित बल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले के आधार पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते हैं। 1 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले एक तार को 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके दो दृढ़ क्लैंपों के बीच कस दिया गया है। यदि तार का ताप घटकर 60 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो तार के तनाव में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तार के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक 1.1 × 10⁻¹⁵ प्रति डिग्री सेल्सियस तथा यंग प्रत्यास्थ गुणांक 2 × 10⁻¹ⁱ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। अब इस प्रश्न में दिया गया है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी a बराबर 1 मिलीमीटर स्क्वायर। अब इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 × 10⁻¹⁶ मीटर स्क्वायर। डेल्टा t बराबर 80 − 60 करेंगे। यहाँ पर ताप में कमी आ रही है, ताप घट रहा है, इसलिए हम 80 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस को घटाएंगे तो ताप में परिवर्तन प्राप्त होगा 20 डिग्री सेल्सियस। अल्फा का मान प्रश्न में दिया गया है 1.1 × 10⁻¹⁵ प्रति डिग्री सेल्सियस और वाई बराबर यानी कि यंग प्रत्यास्थ गुणांक बराबर है 2 × 10⁻¹ⁱ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब ये सारे मान हम सूत्र में रखेंगे। सूत्र अनुसार हम जानते हैं क्लैंपों पर आरोपित बल एफ बराबर होगा वाई इंटू ए इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। हम सारे मान इस समीकरण में रखेंगे और हल करेंगे तो हमें मिलेगा F इक्वल टू 4.4 × 10 और 44 न्यूटन। अभी हमने जो ठोसों में ऊष्मीय प्रसार के बारे में चर्चा की उसमें हम देखते हैं कि इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या एप्लीकेशन है। जब मैं रेखीय प्रसार के बारे में बता रही थी तब हमने ऑलरेडी एक दैनिक जीवन में एप्लीकेशन के बारे में चर्चा की थी, पेंडुलम क्लॉक की। हमने देखा था कि पेंडुलम क्लॉक में ताप का प्रभाव पड़ता है और उसके कारण घड़ी गर्मी के दिनों में धीरे चलती है जबकि ठंडी के दिनों में तेज चलने लगती है। और इस त्रुटि को दूर करने के लिए ही जो पेंडुलम होते हैं उसे इनवार का बनाया जाता है। बताया था मैंने आपको बच्चों कि एक विशेष मिश्र धातु है जिसका रेखीय प्रसार गुणांक का मान कम होता है, लगभग नगण्य ही होता है, इसलिए हम इस प्रकार के मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। और इसके एप्लीकेशन यदि हम देखें तो आपने देखा होगा बच्चों जो रेल लाइंस बिछाए जाते हैं, रेल की पटरियां, इनके बीच में कुछ गैप रहता है, आपने शायद इसे नोटिस भी किया होगा। इन पटरियों को हम एक साथ बिल्कुल लगातार क्यों नहीं रखते, इनके बीच में गैप क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि ये रेल की पटरियां भी धातु की बनी होती है और जब ये गर्म होंगे, जब तेज धूप होगी या ग्रीष्म ऋतु होगी, गर्मी का दिन होगा, तो इसमें ऊष्मीय प्रसार हो जाएगा। अब मान लीजिए इनके बीच में यदि गैप नहीं छोड़ा गया तो ये आपस में फैलने के बाद टकराने लगेंगे
और टकराते हुए एक दूसरे के ऊपर धक्का लगाएंगे, बल लगाएंगे और ये मुड़ जाएंगे, ये आड़ी तीड़ी हो जाएंगी। आपने कभी देखा भी होगा बच्चों कि इस प्रकार की पटरियां भी नजर आती हैं, और जब इन पटरियों में ट्रेन चलती है तो बैठे वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा जर्क लगता है, झटके का अनुभव होता है, वो इन्हीं आड़ी तिरछी पटरियों के कारण ही होता है। इसीलिए इन पटरियों के बीच में गैप छोड़ा जाता है ताकि अगर इनमें ऊष्मीय प्रसार हो तो इन्हें पर्याप्त जगह मिल जाए प्रसार के लिए और ये अपने पोजीशन में बने रहे। साथी बच्चों, आपने पुल के निर्माण के समय भी देखा होगा, उसमें जो गर्डर लगाया जाता है ये भी तो लोहे का होता है। अब इन गर्डर्स को एक दूसरे से कस के नहीं रखते बल्कि इनके बीच में भी गैप छोड़ देते हैं, इन्हें पिलरों के बीच ऊपर रख दिया जाता है, ना कि इन्हें आपस में कसा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कारण वही है, गर्मी के दिनों में जब ताप बढ़ जाए उस कंडीशन में हम जानते हैं कि इसमें ऊष्मीय प्रसार होगा और ये आपस में पहले से कसे हुए रहेंगे तो जब ऊष्मीय प्रसार होगा तो इन्हें जगह नहीं मिलेगी और ये एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डालेंगे जिनके कारण इसमें खुद में तनाव होगा और उसकी क्षति पुल को पहुंचेगी और इसीलिए ही गर्डर के बीच में भी हम गैप छोड़ देते हैं। बच्चों, आपने गाड़ी के पहिए में लोहे की रिम चढ़ाते हुए देखा है? ये जो लोहे की रिम होती है वो एग्जैक्टली पहिए के साइज की होती है, जितने पहिए की त्रिज्या होती है इसके लोहे की रिम भी उतनी त्रिज्या की होती है। अब जब दोनों बराबर त्रिज्या के होंगे तो क्या ये लोहे की रिम उस पहिए पर चढ़ पाएगी? ये तो मुश्किल है, दोनों आपस में टकराएंगे। या कभी कभी तो ये लोहे की जो रिम होती है वो पहिए के त्रिज्या से भी कम होती है, मतलब छोटी होती है, फिर उसको जब चढ़ाया जाता है पहिए पर तो वो कैसे उसके ऊपर चढ़ जाती है? इस चीज को आप नोटिस करिएगा बच्चों, यदि आपको कभी देखने का मौका मिले तो हम उस लोहे की रिम को पहले गर्म कर देते हैं। गर्म करेंगे तब क्या होगा, उसमें ऊष्मीय प्रसार हो जाएगा, वो लोहे का रिम थोड़ा सा फैल जाएगा। अब जब उस लोहे की रिम को पहिए के ऊपर रखेंगे तो पर्याप्त जगह रहेगी, लोहे का रिम अपनी जगह आराम से बना लेगा। उसके बाद उसे ठंडा कर दिया जाता है। जब ठंडा किया जाता है यानी कि जब रूम ताप में आता है नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो वो अपने साइज का हो जाता है जितना कि उसको हमने पहले लिया था, यानी कि अब वो या तो पहिए के एकदम एग्जैक्ट बराबर हो जाएगा या फिर उससे छोटा होने का प्रयास करेगा। जब ऐसा करेगा तो वो उस पहिए पर बिल्कुल फिक्स होके आसानी से बैठ जाएगा। यदि हम बड़ा रिम लेते तो वो और उसमें जगह घेरता और यूं कहें तो उसको बैठाने के बाद सडनली वो टेढ़ा मेढ़ा होना ही था, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा बल्कि वो उस पर आराम से फिक्स होके उस पहिए के ऊपर बैठ जाता है। ऐसे ही बच्चों, आपने टेलीफोन वायर्स को भी देखा होगा, जब टेलीफोन लाइन्स को हम दो खंभों के बीच में खींचते हैं तो इन्हें ढीला छोड़ा जाता है। हम उसके बराबर कस कर क्यों नहीं खींचते? क्योंकि हम जानते हैं कि ताप के साथ साथ प्रसार होता है, लेकिन जब ताप में कमी आएगी तो संपीड़न भी होगा, संकुचन भी होगा। यदि टेलीफोन लाइन को हम एग्जैक्टली खंभों के दूरी के बराबर का ही रखें तो ठंड के दिनों में क्या होगा, ताप कम होने पर इन तारों में संकुचन होने लगेगा और संकुचन की वजह से ये खंभों में तनाव उत्पन्न करेंगे। क्योंकि अभी हमने देखा था कि जब तार को दो क्लैंपों के बीच में हम फिक्स करते हैं और उससे उसके ताप को कम करते जाते हैं तो इस क्लैंप में तनाव उत्पन्न होता है, तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी खंभों के बीच में भी तनाव उत्पन्न होगा और इसके कारण तार के टूटने के चांसेस बन जाते हैं, इसलिए इन टेलीफोन वायर्स को हम ढीला छोड़ते हैं। ऐसे ही बच्चों, यदि बॉटल की डॉट को निकालना हो, उसमें डॉट फंस गई है, बिल्कुल फिक्स हो गई है, उसे हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जो बॉटल की नेक होती है उसकी गर्दन, उसको हम थोड़ा सा गर्म कर देते हैं। जैसे हम गर्म करेंगे तो इस कांच में ऊष्मीय प्रसार हो जाएगा और उसी ऊष्मीय प्रसार के कारण हम देखेंगे उसमें थोड़ी सी जगह बन जाएगी और ये डॉट आसानी से बॉटल से बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में अपने आस पास ही देखें तो जो ताप का पदार्थ पर प्रभाव पड़ रहा है उसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो बच्चों अपने किचन में भी खाना बनाते हुए भी इस ताप के प्रभाव को ठोस में उसे भी अप्लाई कर लेती हूँ। आपने देखा होगा बच्चों, हम कुकर का इस्तेमाल करते हैं दाल पकाने के लिए और उसमें एक रबर लगी होती है
और जब ये रबर पुरानी हो जाती है तो इसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है और ये रबर फैल जाती है। अब जब इसमें खाना बनाया जाता है तो जो गैस होती है लीक होने लगती है, क्योंकि रबर जो है वो पैक करके रखता है ताकि गैस वहाँ से लीक ना हो। अब गैस जब लीक होने लगेगी तो प्रॉपर प्रेशर नहीं बन पाएगा, कुकर सीटी नहीं देगा, और सीटी नहीं देगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपका खाना पका है या नहीं, और धीरे धीरे आपकी दाल भी जल जाएगी। अब वो सीटी नहीं दे रही है, गैस उसमें से लीक हो रही है, तो क्या किया जाना चाहिए? मैं तो गैस बंद करती हूँ, भाप को ठंडा होने देती हूँ, और उसके बाद कुकर के ढक्कन को निकाल कर उसे सीधे पानी में डाल देती हूँ, और उसके बाद जब कुकर में वापस ढक्कन लगा के गैस में चढ़ाती हूँ तो कुकर सीटी देने लगता है। अब बताइए यहाँ पर क्या हुआ होगा? जो गैस्केट थी वो फैल चुकी थी और इसी के कारण गैस लीक हो रहा था। अब उस गैस्केट को मुझे ठंडा करना है प्रेशर बनाने के लिए, तो उसे मैंने पानी में डुबा दिया। अब पानी में डुबाने से उसमें संकुचन हो गया, और जब संकुचन हुआ तो एग्जैक्टली कुकर के ढक्कन के ऊपर फिक्स बैठ गई, और उसके बाद जब मैंने ढक्कन लगाया कुकर का तो अब उसमें से गैस लीक नहीं होता और पर्याप्त प्रेशर बन जाता है जिससे कि कुकर में सीटी आ जाती है। तो इस प्रकार बच्चों हम अपने आसपास में जो भी चीज़ें देख रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, हम थ्योरी से प्राप्त कर रहे हैं, उन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। और इस प्रकार जब आप फिजिक्स से जुड़े कॉन्सेप्ट को अपने डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे तो ये आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगी, और वैसा भी होना ही चाहिए। जो चीज़ आप थ्योरी में पढ़ रहे हो उसको यदि आप डेली लाइफ में अप्लाई नहीं करते हो तो उसका कोई भी यूज़ नहीं होता है। हम कुछ गिने चुने एग्जाम्पल्स बुक में दिए रहते हैं, उन्हीं को याद कर लेते हैं, और जब उदाहरण लिखने की बारी आती है तो केवल उन्हीं उदाहरणों को लिखते हैं। तो बच्चों ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हीं एग्जाम्पल्स को लिखें, आपके दिमाग में और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। कभी आप आसपास की चीज़ों को देख रहे हैं तो वो भी उदाहरणों के रूप में लिखे जाने चाहिए, और आप अगर ऐसा कुछ देखते भी हैं, आपको लग रहा है, आप कंफर्म नहीं हैं, तो आप आपस में चर्चा करिए अपने दोस्तों से और साथ ही अपने टीचर से, ताकि आपको सही कॉन्सेप्ट का पता चल सके और आप उसके पीछे जुड़े हुए सही कॉन्सेप्ट का पता लगा सके। जैसे बच्चों हमने ठोस में प्रसार के बारे में पढ़ा, जब हम ठोस में ताप में वृद्धि कर रहे थे तो उसमें प्रसार हो रहा था, ऐसा प्रसार द्रव में भी होता है, क्योंकि यह प्रसार ताप के साथ साथ ये पूरे द्रव्य के लिए लागू होता है, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। तो अब हम द्रव में यानी कि लिक्विड्स में प्रसार के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों लिक्विड्स का अपना कोई आकार नहीं होता, वो जिस बर्तन में रखा जाता है वो उसी आकार का हो जाता है, पर उसका एक निश्चित आयतन जरूर होता है। अब हम इस लिक्विड को जिस बर्तन में रखेंगे ये उसी आकार का हो जाएगा। अब मान लीजिए हमें लिक्विड को गर्म करना है, मान लीजिए हमने एक पतीले में पानी लिया है, उसको हम गर्म करना है, तो हम गैस पर रख दिए हैं। अब यह ऊष्मा सबसे पहले इस बर्तन को मिलेगी तो बर्तन का ताप इंक्रीज होगा, जिस पदार्थ का भी वो बर्तन बना है उसके ताप में वृद्धि होगी। तो सबसे पहले किस में प्रसार होगा? बर्तन में प्रसार होगा, ना कि उस लिक्विड में। और उस बर्तन में प्रसार के कारण ये जो लिक्विड का आकार है वो चेंज हो जाएगा, और हमको ऐसा महसूस होता है कि उस लिक्विड में प्रसार हो गया, पर एक्चुअली प्रसार किस में हुआ था? बर्तन में हुआ था। और उसके बाद आप ऊष्मा देंगे आप, तो किस में प्रसार होगा? ये ऊष्मा पहुंचेगी लिक्विड में, और अब जो प्रसार होगा वो लिक्विड में होगा। और इसीलिए द्रव में प्रसार को हम दो भागों में बांटते हैं, एक आभासी प्रसार और दूसरा वास्तविक प्रसार, यानी कि एपरेंट एक्सपेंशन और दूसरा रियल एक्सपेंशन। अब एपरेंट एक्सपेंशन कब हुआ था? जब बर्तन में प्रसार हो रहा था और हमको सिर्फ आभास हुआ कि जैसे उस लिक्विड में कुछ परिवर्तन हो गया, पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं था, केवल आभास हुआ था। पर और ऊष्मा देने पर किस में परिवर्तन हुआ? तब उस लिक्विड में परिवर्तन हुआ, तब वो वास्तविक प्रसार हुआ। तो इस प्रकार हम जो द्रव के प्रसार है उनको दो भागों में बांटते हैं, और सारे द्रव इसी तरह से बिहेव करते हैं। जब द्रवों को हम गर्म करते हैं तो उनमें प्रसार होता है। अब उनमें प्रसार होगा तो नेचुरल सी बात है कि उसके आयतन में प्रसार होगा, क्योंकि लिक्विड किसी भी कंटेनर में रखें एक आयतन का रूप लेती है,
तो उसके आयतन में प्रसार होगा। इसलिए जब द्रवों में प्रसार की हम चर्चा करते हैं तो आयतन प्रसार गुणांक ही निकालते हैं, क्योंकि वो द्रव किसी भी बर्तन में एक आयतन के रूप में ही होगा। लेकिन जिसको हम सार्वत्रिक सॉल्वेंट कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी कि जल, पानी, इसका एक अपना अलग ही असामान्य व्यवहार है, जिसको हम लोग एनामोलस बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर कहते हैं। ये बाकी द्रव की तरह गर्म करने पर सीधे प्रसार नहीं होता। बाकी द्रवों को हम 0 डिग्री सेल्सियस पर रखे हैं और ताप देना शुरू किए तो सभी में प्रसार होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम जल की बात करते हैं तो 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म करने से इसमें प्रसार नहीं होता, मतलब इसके आयतन में वृद्धि नहीं होती, बल्कि इसके आयतन में कमी आ जाती है। अब ये पानी का अपना ही व्यवहार है, अभिलाक्षणिक, बिल्कुल सबसे अलग, अलग हटके, इसलिए हम लोग इसको एबनॉर्मल कहते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जब ताप में 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि की गई तो इसके आयतन में कमी आई, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जब हम ताप में फिर वृद्धि करते हैं तो आयतन में भी वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब पानी का सबसे कम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। और बच्चों, हमारे पास घनत्व का सूत्र होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब एक निश्चित द्रव्यमान का जल आप लेते हैं तो उसमें घनत्व और आयतन का संबंध कैसे होता है, व्युत्क्रमानुपाती का। आयतन अधिक होगा तो घनत्व कम होगा, आयतन कम होगा तो घनत्व अधिक होगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन सबसे कम है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होगा। और पानी का यह गुण ही ठंडी के दिनों में, जाड़े के दिनों में, ठंड प्रदेश में जलीय जीव जंतु को पानी के भीतर सुरक्षित रखता है। बच्चों, आप सोचते होंगे कि ठंडे प्रदेशों में जाड़े के दिनों में हम देखते हैं कि चारों तरफ बर्फ जमी रहती है, तापमान तो माइनस में चला जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। इसका मतलब सारा पानी बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे दिखता भी वैसे ही है, आप ठंडे प्रदेशों में जाएंगे तो चारों तरफ हमको बर्फ ही बर्फ नजर आती है, तो हमको ऐसा लगता है कि वो नदी तालाब जो भी होंगे वो सारे बर्फ से ढक चुके हैं, यानी पूरी नीचे की परत तक बर्फ जमी है और वहां पे जो भी जलीय जीव जंतु होंगे, पौधे होंगे, वो सारे मर चुके होंगे। लेकिन बाद में हम देखते हैं ग्रीष्म ऋतु आती है, थोड़ी बर्फ पिघलती है, पानी बनता है जब झीलों और तालाबों में, तो हम देखते हैं कि वो जलीय जीव जंतु सुरक्षित रहते हैं। तो जलीय जीव जंतु क्या बर्फ में सुरक्षित रहते हैं? ऐसा नहीं। एक्चुअली जो बर्फ रहती है केवल ऊपरी सतह पर जमी होती है और जलीय जीव जंतु पानी के नीचे सुरक्षित रहते हैं। अब ये पानी के नीचे किस प्रकार सुरक्षित रहते हैं, यहां पर ये जल का एनामलस बिहेवियर ही काम आता है। मान लीजिए कि हम किसी झील या तालाब की बात कर रहे हैं, अब ठंड शुरू हो गई, तापमान गिरना शुरू हुआ, तापमान जैसे गिरते गिरते 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा, वहां पर हम देखेंगे कि जो पानी की ऊपरी सतह है उसका ताप 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा और पानी कुचालक होता है, मतलब आसानी से इसमें ऊष्मा का चालन नहीं होता। इसलिए हम देखते हैं कि नीचे की जो जल रहती है, पानी रहती है सतह पर, वो उसका तापमान अधिक रहेगा ऊपर की सतह की तुलना में। ऊपर की सतह का ताप कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस। अब जो ऊपर की सतह में जल है उसका घनत्व सबसे अधिक हो जाएगा। अब घनत्व अधिक होने से वो भारी हो जाता है और कम घनत्व वाले पानी में डूब जाता है। बच्चों, हम जानते हैं कि यदि हम 2 अलग अलग घनत्व वाली वस्तुओं को लें, एक द्रव लें, एक ठोस लें, तो ये डूब क्यों जाता है? जैसे कि हम देखते हैं कि लोहा पानी में डूबता है, क्यों डूब जाता है? क्योंकि लोहे का घनत्व अधिक होता है जल की तुलना में। ऐसे ही किसी भी वस्तु को अगर हम कंपेयर करें, उसका घनत्व यदि अधिक होगा किसी भी द्रव की तुलना में तो वो डूब जाता है, और कम होगा तो वो तैरता है। तो यहाँ पर भी हम देखें कि जो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल है उसका घनत्व अधिक है और नीचे जो जल है पानी की तली में, तालाब की तली में, उसका टेम्परेचर अधिक है तो उसका घनत्व कम होगा, और इसीलिए ऊपर का भारी जल नीचे आता है और नीचे का जल ऊपर चला जाता है, और ये प्रक्रिया चलते रहती है,
क्योंकि फिर वही होगा ऊपर की सतह में फिर 4 डिग्री सेल्सियस ताप आ जाएगा, फिर वो भारी होगा, फिर नीचे आ जाएगा, नीचे का जल ऊपर चला जाएगा। और ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? जब तक पूरे जल का ताप 4 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। और इस प्रकार झीलों या तालाबों का जल का जो ताप है वो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और जो जल अब नीचे पहुंच गया उसका ताप तो निश्चित रूप से 4 डिग्री सेल्सियस ही होगा। अब तापमान और गिरना शुरू हुआ, 0 तक पहुंचा, 0 से कम होने लगा, तो ऊपर की सतह में बर्फ जमना शुरू हो जाता है। लेकिन नीचे की सतह में यानी कि तली में जो पानी है वो अब भी 4 डिग्री सेल्सियस पर बना रहता है, और 4 डिग्री सेल्सियस मतलब अब वो द्रव अवस्था में ही होगा। तो जितने भी जलीय जीव जंतु होते हैं वो पानी की तली में आ जाते हैं, मतलब जो सारे जीव जंतु होंगे वो उस तालाब और झील की तली में ही पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ठंडे प्रदेशों में ठंड के दिनों में जब पूरी बर्फ जमना शुरू हो जाती है या ऊपर की सतह पूरी बर्फ से ढक जाती है तो सारे जलीय जीव जंतु उस झील या तालाब की तली में जो 4 डिग्री सेल्सियस पर द्रव रूप में पानी मौजूद है उसमें वो सुरक्षित रहते हैं। और उसके बाद जब तापमान बढ़ने लगता है, बर्फ पिघल जाती है, तो ये सारे जीव जंतु फिर ऊपर की ओर आ जाते हैं, और इस प्रकार वो ठंडे प्रदेशों में भी ठंड के दिनों में भी सुरक्षित रहते हैं। तो इस उदाहरण से बच्चों हमने ये भी जाना कि ताप का प्रभाव घनत्व में भी पड़ता है। जैसे कि हम देख रहे थे कि जब हम ताप बढ़ाते हैं तो ऊष्मीय प्रसार होता है। अब ऊष्मीय प्रसार हो रहा है इसका मतलब आयतन में वृद्धि हो रही है, और आयतन और घनत्व में संबंध हम देख ही चुके हैं। अगर द्रव्यमान कांस्टेंट हो, आयतन बढ़ाने से घनत्व कम होता है और आयतन घटाने से घनत्व बढ़ता है। इसका मतलब जब ताप में वृद्धि की जाती है तो प्रसार के साथ साथ उसके घनत्व में भी प्रभाव पड़ता है। तो ताप का घनत्व के साथ क्या संबंध है, चलिए इसे हम डिराइव करते हैं और एक सूत्र तैयार करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि घनत्व का ताप के साथ क्या संबंध है। मान लीजिए हमने एक पदार्थ लिया है, 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका आयतन V0 ले रहे हैं और उसके घनत्व को हम D0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। घनत्व को हम इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं, इसलिए इसको दर्शाने के लिए हम स्मॉल लेटर D का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों किसी बुक में एक स्पेशल चिन्ह रो कब इस्तेमाल किया जाता है, तो चिन्ह जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं आप ध्यान में रखिएगा कि वो आप घनत्व के लिए यूज कर रहे हैं। मान लीजिए T डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ का आयतन V है और उसका घनत्व D है। अब जब हम ताप दे रहे हैं, ताप में वृद्धि कर रहे हैं, तो उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो तो निश्चित ही रहेगा। इसीलिए यदि हम सूत्र से देखें तो घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है, तो द्रव्यमान बराबर होगा घनत्व इंटू आयतन। इसलिए जब घनत्व और आयतन को गुणा करेंगे तो जो राशि मिल रही है यानी कि द्रव्यमान, वो दोनों स्थिति के लिए सेम रहेगा। मान लीजिए उस पदार्थ का द्रव्यमान m है, तो हम लिखेंगे m बराबर v0 into d0 और साथ ही m बराबर v into d होगा। घनत्व और आयतन में चेंज होगा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, जो भी उसमें चेंजेस आ रहा है, लेकिन जो द्रव्यमान है वो नियत ही रहेगा। और इस आधार पर हम देखें तो m बराबर v0 d0 बराबर v d होगा, और इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं D upon D0 इक्वल टू V0 upon V। और इससे पहले हमने आयतन का ताप में वृद्धि के साथ संबंध देखा था, और ये था V equal to V0 ब्रैकेट के अंदर 1 plus gamma into delta T, जहां गामा आयतन प्रसार गुणांक था। यहां पर हम इसी सूत्र को यूज करेंगे, ए वी के स्थान पर जो कि टी डिग्री सेल्सियस पर आयतन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे रिप्लेस कर देते तो हमें फॉर्मूला मिलेगा D upon D0 equal to V0 upon V0 ब्रैकेट के अंदर 1 plus gamma into delta T। यहाँ से V0 कैंसिल हो जाएगा, तो D upon D0 इक्वल टू होगा 1 upon 1 plus gamma into delta T, और यहाँ से D को हम देखें तो D बराबर होगा D0 upon 1 plus gamma delta T। यहाँ पर हम सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं ताकि हम एक निश्चित फॉर्मूले तक पहुँच सकें। अब ये नीचे डिनोमिनेटर में 1 plus gamma delta T है, इसको यदि न्यूमरेटर में ले जाना हो तो पावर में -1 कर देंगे,
तो ये हो जाएगा d इक्वल टू डी जीरो ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस गामा डेल्टा t पावर में माइनस 1 आएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, इसमें दो पद हैं, तो यहाँ पर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, द्विपद का प्रमेय, और उसके अनुसार यहाँ पर हम एक्सपेंशन करेंगे। बच्चों इसमें एक फॉर्मूला होता है जिसके आधार पर एक्सपेंशन किया जाता है। यदि 1 प्लस एक्स पावर एन हो तो हमको इस सूत्र से एक्सपेंड करते हैं। अब यहाँ पर भी हम वही सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर पावर में माइनस 1 है। अब आगे के टर्म्स में हम देखें तो यहाँ पर सेकेंड टर्म के पावर में आप देख रहे हैं 2 हो जाएगा, फिर आगे और 3 होगा, फिर 4 होगा, और इस प्रकार यहाँ इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में बात करें तो डेल्टा टी ये बहुत ही छोटी राशि है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये और कम हो जाएगा, फिर हम इसका क्यूब करेंगे तो ये और छोटी राशि मिलेगी, और जब बहुत छोटी राशि मिलेगी तो हम उसको 1 की तुलना में नगण्य मानेंगे, या फिर यू के जो पहला टर्म मिलेगा उसकी तुलना में नगण्य मानेंगे। इसलिए हालांकि इस एक्सपेंशन में बहुत सारे टर्म्स आएंगे, एन टर्म्स आएंगे, लेकिन हम यहाँ पर केवल पहले के ही दो टर्म रखेंगे। वैसे यहाँ पावर में माइनस 1 ही था। आप जब इस प्रकार के कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्मूले को देखेंगे, जैसे आगे भी हम क्लास 11th में फिजिक्स में और बहुत सारे डेरिवेशन है जहाँ पे इस प्रकार एक्सपेंशन को यूज़ करते हैं, तो हम केवल दो ही टर्म तब रखते हैं जब आगे के टर्म बहुत ही छोटे हों और जिसको हम नगण्य कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब एक्सपेंड करेंगे तो पहला टर्म तो 1 आएगा, जो सेकेंड टर्म लिखेंगे उसमें जो भी पावर रहता है उसको इंटू करते हैं, तो यहाँ पर पावर में माइनस 1 है तो माइनस 1 से सेकेंड टर्म को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस गामा डेल्टा टी। तो इस प्रकार डी बराबर हमें मिलेगा डी जीरो ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस गामा टी, और ये सूत्र घनत्व और ताप के बीच में संबंध को दर्शाता है। हम देख रहे हैं कि अगर डेल्टा टी ताप में वृद्धि की जाए तो उसके घनत्व में परिवर्तन इस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाएगा, और इससे स्पष्ट है कि जब ताप को बढ़ाया जाता है तो घनत्व घटने लगता है।